लेके जा। क्या तो यार दिख रहा है ना क्या कर रहा हूँ। आगे मत जाओ कोई So basically this song is something very different. Everyone kept asking me what is mineral water. I'm like, which and what? Now that it's out, everyone knows that it's pretty different, right? It's a very catchy song. And it was so much fun to shoot. The location was brilliant, so it was a lot of fun. Yes, आपका कहना चाहिए। मिनरल वाटर जो क्रिसेन ने कहा बहुत डिफरेंट है और डिफरेंट टाइप ही डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे मार्केट से अच्छी अलग चीज़ें करने का अच्छा लगता है क्योंकि ऑडियंस तो एक चीज़ तो सुन चुकी है तो उनको कुछ अलग सुनाया जाए। और सबसे बेस्ट पार्ट मेरा कि मैं म्यूज़िक को मतलब मैं सीरियस बहुत ज़्यादा सीरियस लेता हूँ। अगर मुझे एक बार नहीं पसंद आया तो मैं उसको 10 बार भी चेंज कर सकता हूँ। और लिरिक्स नहीं मुझे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं 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 ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो और मेन मिनरल वाटर है। गुड क्वेश्चन। मिनरल वाटर मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था तो एंड वो मिनरल वाटर बार बार में मिनरल वाटर की बात कर रहे थे कुछ। तो मैं बोला हाँ जी आप तो मिनरल वाटर हैं, हम ही सस्ता पानियाँ हैं। तो फिर मैंने देखा मैंने यार ये तो लाइन बन गई और मैं जल्दी से इसको मैं अपनी बुक में लिख दिया। और फिर उसके बाद में धीरे 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 मैं कुछ गुनगुनाता रहा, फिर मैं कुछ ट्यून्स देखता रहा यूट्यूब पर कि क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से मतलब फिर मैंने बनाया तू है मिनरल वाटर मैं हूँ सस्ता पानियाँ। I laughed so much first time. So it was so different, right? It was crazy. I was just like, wow, the song's name is Mineral Water, and he's like, yeah. I was like, for real? And he's like, yeah. And I hadn't even heard the song till I went for the shoot. So he played the song, and I was just like, dude, this is so different. It's so different from everything else that I've heard. I was like, chalo, let's do this. Best. दुबारा काम करना चाहूँगा। Oh, so sweet. बहुत easy to go है। Like और models के साथ में आप काम करते हैं तो ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी ये नहीं खाना है वो पीना है मेरे ये नहीं शूट करना है वो। एंड क्रिसेन वॉज लाइक ओके ओके एवरीथिंग वॉज ओके। फर्स्ट डे से फर्स्ट मैसेज चैट हो रही है तब से ही मतलब ओके ओके लेट्स डू इट लेट्स डू इट लेट्स डू इट लेट्स डू दिस। आई मीन आई टच वुड दैट वी आर बीइंग एबल टू शूट। काम आ रहा है अभी भी इवन दो द सिचुएशन इज हैपनिंग। बहुत लोग यू नो दे बीन कट ऑफ फ्रॉम देयर जॉब्स, काम ही नहीं मिल रहा है। सो व्हाटएवर इट इज आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम ग्रेटफुल। बहुत मुश्किल था। हम बहुत सेफ्टी से हमने शूट किया बिकॉज लोकेशन चंडीगढ़ में थी और पूरी टीम चंडीगढ़ से है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई। लेकिन मतलब जो भी सेफ्टी हम कर सकते थे
कोविड को देख के हमने सब कुछ किया और वॉज नाइस. फाइनली हमने कोविड में शूट किया. बहुत डिफरेंट, मतलब डिफ़िकल्ट था कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लोकेशन भी नहीं मिल रही है ना पहले दिन, या फिर सब कुछ अरेंज करना सेम टाइम पे, कॉस्ट्यूम का अरेंज करना, सब कुछ चेंज किया. मतलब बहुत बहुत मतलब डिफ़िकल्टी तो आई, लेकिन और जब तक काम में मतलब कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं होती है ना तो मज़ा नहीं आता काम करने में. तो ईजी काम तो कोई भी कर लेगा. जब स्टाइलिस्ट आए थे टिक टिक और हमने सब कुछ ट्राई किया, आई लुक्ड एट एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक वाओ. लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इट वुड लुक सो गुड. और सेट पे व्हेन एवरी टाइम आई हैड अ चेंज एंड एवरी टाइम आई गॉट रेडी आई लुक्ड एट दीस गाइस एंड आई वाज लाइक वाओ, यू गाइस हैव मेड मी लुक लाइक अनरियल. You know, it's so good. Bahut acha. Like he put a lot of thought into not only what he was wearing but also into what I was wearing and even more. So thanks, yaar. Kyunki that's the thing, you guys have seen me in a reality show, you guys have seen me in GEC, you've seen me in a web show. So what I like doing is something different. So this time I thought I'd do something different. That's why music video. And yes, what do you want to say about this song and when it will be releasing and which channel? My own channel. I'm releasing on my own channel, V Music. Because abhi artist, matlab self artist banna hai. Matlab companies ke paas jaake kya karna hai? अपना खुद का काम करो, मज़ा आता है. चाहे कम करो लेकिन अच्छा करो, क्वालिटी वर्क. उसके बाद क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है? बहुत बहुत गाने हैं मेरे पास लिखे हुए और मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मैं कितना जल्दी रिलीज़ करूँ उन सॉन्ग को कि सब सुने गाने, क्योंकि इतने मतलब मुझे ना जल्दी से गाने पसंद नहीं आते. किसी का गाना आता है, मैं रोज़ यूट्यूब खोलता हूँ और रोज़ देखता हूँ क्या नया रिलीज़ हुआ है, कि क्या डिफरेंट है. लेकिन सब देखता हूँ वही सब कुछ चल रहा है मार्केट में, पुरानों को नया किया जा रहा है. लेकिन कुछ मैं नया करना चाहता हूँ और नई चीज़ें जो कि रिलेटेड, जो पब्लिक के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनसे रोज़ की बातें जो होती हैं वो रिलेट करती है, वो सब चीज़ें मैं लिखता हूँ. कि जैसे देखा आपने कि तू है मिनरल वाटर, मैं हूँ सस्ता पानिया, है ना. कि मतलब लड़की को तो हर बॉयफ्रेंड चाहे हस्बैंड हो कोई भी हो, लड़की को वाइफ को सबको मतलब वो खूबसूरत खूबसूरत ही बोलता है, क्योंकि she deserve. And what is your upcoming project after this? The show is coming back. Sasural Smarka is coming back. Hopefully Sanjana will make an entry. It will be fun. Tomorrow I'm shooting a show with Raftaar's brother. His name is Uday. His show name is like his screen name is Yunan. So we are shooting a song and I'm very excited. It sounds really amazing. And my first film is coming out super soon and I'm so excited about it. We shot in the lockdown in Rishikesh and it's like Kinshuk Vaidya, Ankit Bhatla, this new guy, very talented, Abjeet. And his sister has done all the music, Anusha Randhawa, all the music in the film. So it's new talent, support new talent. Thank you so much and all the best. Thank you so much. डायरेक्टर किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और एज अ म्यूजिक डायरेक्टर किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, पूरी टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है बिकॉज गाना इतना अच्छा लग रहा है, अभी जो बाहर आप लोग सुन रहे हो वो इतना अच्छा साउंड कर रहा है कि हमें भी मज़ा आ रहा है ऐसा काम करके. एंड बहुत खुशी हो रही है एंड भाई ने बहुत अच्छा गाया है, बहुत ही अच्छा गाया है. गाने का जो रिजल्ट आ रहा है आप लोग सबको अच्छा लग रहा होगा बिकॉज इसका हुक लाइन ही मिनरल वाटर, ये हर किसी की ज़ुबान पे एक बार में लग जाए. कैची सॉन्ग्स है एंड बहुत अच्छा लिखा गया है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है तो बहुत ही अच्छा. अगर दो लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में
बंद दरवाजे खोल दे तू, होले होले बेबी मेरी जान ले तू, पागल ना समझ ना तू बेबी मुझे, पागल ना समझ ना तू बेबी मुझे, नशे की पूरी दुकान है तू मेरे दिलबर जानिया जानिया, तू है मिनरल वाटर मैं हूँ सस्ता पानिया, हो मेरे दिलबर जानिया जानिया, तू है मिनरल वाटर मैं हूँ सस्ता पानिया। पीयूष आपका और जैस के कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बताइए, हमें किस तरह का कोलैबोरेशन था और क्या इन फ्यूचर और भी कोलैबोरेशन हमें देखने हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम और भाई का जैस भाई का क्या है कि हम भाई ही हैं, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, हम भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और हम बहुत और भी अच्छे अच्छे गाने हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे अच्छी अच्छी इनके वॉइस में आ रही है, एंड जिस तरह आप इसको प्यार दे रहे हो उसी तरह बस आगे ऐसे और गाने सारे पीयूष ही कर रहे हैं, बिकॉज मुझे इसका काम इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं इसको बोलता हूँ जैसे आप दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाते हैं, एक बार दो बार बना दिया, तीसरी बार नहीं बनाते, मैंने इसको एक गाना मैंने 12 बार बनवा चुका हूँ मैं वो गाना, वो मेरे को इतना अच्छा लगता है वो गाना कि 12 बार बना, फिर 13वीं बार ये शुरुआत कर रहा है उसकी। अब ये डिपेंड करता है कि आपका टीम वर्क कैसा है, और एक गाना तो इसने ऐसा बना दिया कि मतलब मेरे घूस बम्स आ जाते हैं, मैं जब वो पीस सुनता हूँ इसने जो बजाया है, और ये 24 ईयर्स का है और इतना टैलेंटेड, क्या नहीं आता इसको, क्लासिकल में देखो जो है, आजकल का म्यूज़िक देखो और चाहे वेस्टर्न देखो, बहुत अच्छा नॉलेज है इसको म्यूज़िक का, बहुत ज़्यादा। नहीं थैंक यू। आपने गाना देखा और कैसा लगा? हाँ, मैंने गाना देखा एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैंने पहले भी बोला है दैट आई थिंक रिजान इज सुपर एम्बिशियस, टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू सी हर शाइन। आई रियली रियली लव द वर्क शी पुट्स इन, आई वर्क्ड विद हर रिसेंटली, वी बिकम फ्रेंड्स, वी डिड अ शो ऑन ट्रैवल एक्सपी टुगेदर, सो नाउ वी आर नाउ इंटरनेशनल आर्टिस्ट, क्योंकि हमने रिसेंटली शो किया है ट्रैवल एक्सपी के साथ, ट्रैवल शो, वी आर ट्रैवल शो होस्ट्स ना, और हम 50 दिन के लिए रोड ट्रिप के लिए गए थे टू मध्य प्रदेश, एंड वी शॉट ऑल द ब्यूटीफुल लोकेशंस देयर, और वो बहुत जल्दी आने वाला है, सो प्लीज़ वॉच अस, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, शी इज लुकिंग स्टनिंग एज यूजुअल, प्रिंसेस एज यूजुअल, एंड I know she's gonna like really kill it. She's been doing amazing things, and I just hope that she shines wherever she goes, which she does, because she's a. We're both shining today, bro. Princesses. मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि हमने साथ में we've lived together पूरा साल, स्टार्ट से अब तक, फर्स्ट वी वर इन MP, उसके बाद वी वेंट टू गोवा, तो हम साथ में काम कर रहे थे, एंड इट्स सो स्वीट कि मुझे सपोर्ट करने ये आज आई है, सो तो मैंने उसका सारा काम, पूरे अगले साल तक का काम देख लिया है ऑलरेडी, जो सब रिलीज होने वाला है उसके फ़ोन पे मैंने सब देख लिया है मध्य प्रदेश में, सो आई नो दिस लुक, I know she's doing this, she's done this music video, and I've seen the song, it's such a beautiful song, everybody's performed so well in it, kudos to the whole team, bahut hi acha, bahut hi, Jess has also done so well, everybody's done amazingly well, and the song is going to be a hit for sure, it's already doing so well, it's just released today and it's killing it, and I didn't expect anything less, so yeah. So, enough
So there's a lot of things that I'm gonna do. Something with Travel XP, both of us are doing together. There's one more thing in the pipeline which I can't speak about, but really great and big projects. And usse music videos aa rahe the, but we were in MP, so she could not go. She's like, shit, I want to go. The same thing happened to both of us. We got like a lot of things, but we were shooting there. But it's all gonna be worth it. And there's a lot of time and there's a lot of abundance. So. There's going to be a lot of stuff happening, so please stay tuned and watch everything of us. Yes. Thank you so much. Thank you so much. रुकना अभी डन टाइम कहाँ मिल रहा है I really like the song. I mean, Krishna mein dosti bhi hal filhal hi hui hai, to main isliye aaya hu. And I like the song. I really like the song. I mean, all the best to the entire team for that. Yeah. Yeah. Even I really like the song. And Krishna, I know when she was shooting, bahut thand ho rahi thi, 4 degree something kuch ho raha tha, and she had to go in water and all of that. So I think it the hard work paid off. So it looks damn nice. क्या बोलूँ मैं बहुत खुश हूँ आई एम ऑब्वियसली वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस एंड आई होप फॉर और मिलियन 100 मिलियन और शोर मचाए और शोर मचाए मचाते रहे वो शोर और दो तीन गाने और दो तीन गाने और मिल जाए मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार गाना आई थिंक पर्सनली फॉर मी आई वुड से दिस आई डोंट नो मैं इफ आई हैव रीच्ड दैट Mukam to say this or not, but I personally feel this is Honey Singh's comeback. Yeah. I think this is a very, very, very nice song for me, and I feel, back in, I think I was in the first or second year college ka, jab main actual mein Honey Singh ke gaane mein proper wo vibe karta tha aur dance karta tha. I think this was that song for me again that came back. I'm not saying because Shruti meri dost and all. I agree. Because Honey Singh ka gaana actually was nice. No, I agree. मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी. I think I was in school when I used to dance on like brown and blue eyes and hip hop. Yeah. और जब मुझे call आया गाने के लिए तो मैंने तो भरोसा ही नहीं किया पहले कि ये हो रहा है.
then when I went there and I met him and I was like, okay, you know, this is real. You will listen to it every day. Ye without fail hum roz sunte hain. Subah uthte hi sabse pehle gana. Wohi hai. It was very nice. I felt like at home set pe mujhe koi aisa wo nahi laga ki, you know, I'm a new comer or anything. It was very, very nice. आप बोलो अच्छी लग रही है यार. I mean, I just saw them right now. I think off camera also they're pretty good. तो when you जब आप दोस्त बन जाते हो ना, अच्छा है off camera भी अगर अच्छा है तो chemistry automatically दिखती है. And I think that showed in the video. So I think they did well. Yeah, both of them are looking very nice, very, very, very nice. And Chris Anne looks unreal. Stunning. Yeah, she looks very, very pretty. Yes, you too, man. I'm yes, sorry. You look unreal. You look Thanks, yaar. Thanks, yaar. Nah, look just at you, look yeah, at you. Jess also looks very nice. Jess, where are you? I swear, but when they were playing Machega Shore, I flipped it just now. I was just like, Machega. And what is next for both of you? Yeah, I just finished shooting for one of those shows that I was doing. That was a cameo. I just finished that. I was just, while on my way to the launch, I was just thinking about taking a vacation first. कि एक छोटा सा वेकेशन ले लूँ. थोड़ी थक चुका हूँ यार, थोड़ा एक थका नहीं हूँ. नहीं एक्चुअली दैट्स अ रॉन्ग वे टू से इट. थका नहीं हूँ मतलब आई थिंक आई नीड हाँ छोटा सा एक ब्रेक ले लूँ, फिर देन कम बैक एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन. व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू ब्रो, टेल देम. आई हैव वन म्यूजिक वीडियो कमिंग आउट. मुझे कोई आइडिया नहीं है कब. एंड देन आई हैव अ फ्यू वर्क, ऐसे दो तीन प्रोजेक्ट्स जिसकी बात चल रही है. ओके, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं बता सकती मैं. वही तो प्रॉब्लम है सर, इसलिए मैं भी वेकेशन ही चेक देता हूँ. जहाँ मैं सब बोलते हैं ना कि क्या है, मैं बोलता हूँ वेकेशन. बता नहीं सकता ना, बता नहीं सकते, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. बट या होपफुली यू विल सी मी. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.